चलिए अब चलते हैं मिथुन राशि की तरफ। मिथुन राशि वालों का नवंबर का महीना कैसा जाने वाला है ध्यान से देखिए। बहुत हिसाब से कैलकुलेशन के हिसाब से हम आपको समझाते हैं कि ये गोचर कुंडली है। गोचर कुंडली में अभी की स्थिति जो ब्रह्मांड में चल रही है वो कैसी चल रही है हम उसको देख रहे हैं। तो मिथुन राशि वालों की स्थिति कैसी रहने वाली है, मिथुन राशि वालों का धन की स्थिति आप देखिए। चंद्रमा, चंद्रमा तो चलायमान है, हर दिन स्थिति अलग होगी। तो 1 तारीख को चंद्रमा लगन में बैठा हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्थिति कैसी रहेगी इनकी धन की, तो यहाँ पर हम इसमें देखेंगे कि चंद्रमा यहाँ पर है, पहले दिन बहुत अच्छा रहेगा, शुरू के 2.5 दिन बहुत अच्छा रहेगा, फिर आगे के 2.5 दिन बहुत अमेजिंग रहेगा, ठीक है। ये 5 दिन बीत गए यहाँ पर, फिर आप देखिए और आने वाले 2.5 दिन भी ठीक रहेगा। मित्र राशि में शुक्र के साथ है, फिर आने वाले 2.5 दिन मतलब यहाँ पर 5 और 5 10 10 दिन यहाँ पर बीत गए, ठीक है। तो यहाँ पर भी अच्छी स्थिति है, लगभग आप देखिए 10 दिन ये हो गया और हमने यहाँ पर 15 दिन और लगाया, तो लगभग 15 तारीख के बाद, ठीक है, आप गोचर कुंडली में आप देखना कि चंद्रमा लगभग 15 तारीख के आसपास यहाँ पर होगा। और जब चंद्रमा यहाँ पर होगा तो आपको पैसों को स्थिति से बड़े ध्यान से बच के चलना है, पैसा यहाँ पर खराब होगा, आप बहुत इमोशनल फील करेंगे, आपको थोड़ा सा स्ट्रेस फील हो सकता है। अब मैं सिंपल कहूंगा कि जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में आएगा तो आपको थोड़ा रेस्ट करना है, उस दिन छुट्टी रख लो, ऑफ रख लो, ठीक है। और फिर उसके बाद लगभग लगभग 2.5 दिन बाद और अगेन यहाँ पर चंद्रमा आएगा, तो यहाँ पर आपकी धन की स्थिति ठीक रहेगी, पैसे की स्थिति ठीक रहेगी। मैं सिंपल यहाँ की कह रहा हूँ, एक तो यहाँ पर और चंद्रमा जब एंड में रहेगा मतलब नवंबर के लगभग 27, 28, 29 तारीख के आसपास चंद्रमा यहाँ रहेगा, तो यहाँ पर भी उच्च की स्थिति है। तो अब एक बढ़िया सी कैलकुलेशन निकल के आ गई यहाँ पर कि चंद्रमा जब वृश्चिक में आएगा मिथुन राशि वालों का धन की पैसों की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। बस लगभग अप्रोक्स 12 से लेके 16-17 तारीख के बीच में चंद्रमा यहाँ रहेगा, तो आपको बच के रहने की जरूरत है, पैसों को सेव करने की जरूरत है, आपको छुट्टी ले लेनी है, आराम कर लेना है, ठीक है। इतनी सी बात आप याद रख लें। और दूसरा, इनकम की स्थिति कैसे रहेगी, इनकम पर आप देखिए दशमेश बैठा हुआ है, गुरु राहु के साथ बैठा है, राहु मंगल की राशि में है और मंगल 11th हाउस को अगेन देख भी रहा है, तो आपकी इनकम की स्थिति भी बहुत अच्छी रहने वाली है, पैसा आपके पास खूब भर के आएगा, खूब पैसा आपके पास आने वाला है मिथुन राशि वालों के पास, ठीक है। अब मिथुन राशि का करियर कैसा रहेगा, जॉब कैसा रहेगा, जॉब का प्लेनेट राहु के साथ बैठा है, थोड़ा सा हार्ड वर्क रहेगा, स्ट्रगल रहेगा, मेहनत करना पड़ेगा नवंबर में। आप देखिए ये जो 10th हाउस कर्म का स्थान है ये राहु और शनि के बीच में, राहु और शनि के बीच में है, तो पैसों को थोड़ा सा पैसा आपका अच्छा रहेगा, पैसे की हमने बात कर ली, मनी की बात कर ली, लेकिन जॉब आपको मेहनत करना पड़ेगा जॉब में। मैं सिंपल आपको एक रेमेडी आपको देता हूं, आपको गुरु को ठीक करना है, राहु को ठीक रखना है, एक चंदन की लकड़ी हमेशा अपने साथ रखें और चंदन को माथे पर लगाना शुरू करें। चंदन में गुरु क्या है, केसर, थोड़ा सा केसर भी मिला लो, आपके लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है। ये आपको इतना सा करना है उपाय। और गुरु क्या है, यहाँ पर बैठा हुआ है और राहु यहाँ पर बैठा है, राहु का दान करना है आपको, ठीक है। राहु की पावर को हमें दूर करना है, अपने से हटाना है, ठीक है। तो राहु का दान करिए, राहु का दान क्या है, सबसे अच्छी बेस्ट रेमेडी है राहु के लिए कि आपको एक सेवई की खीर बनवानी है और उस सेवई की खीर को किसी नीडी को, जो लोग आदमी पर्सन है, बूढ़े लोग हैं या फिर जो लोग नीडी हैं, या अपने मेड को आप उनको दे दो, गिफ्ट दे दो, दान दे दो, ठीक है। अपनी श्रद्धा से होनी चाहिए, मन से होना चाहिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा इससे, ठीक है। आपके काम में स्ट्रगल कम होगा, मेहनत कम होगा। आपका रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है, रिलेशनशिप अगेन देखिए 11th हाउस में है, रिलेशनशिप इंक्रीज होगा, लाभ का है, लाभ होगा, लेकिन राहु के साथ बैठा है, राहु झूठ देता है, ऑब्सेशन देता है, ठीक है। आप बहुत ज्यादा ऑब्सेस होंगे अपनी पत्नी के लिए, अपने पार्टनर के लिए, बहुत ज्यादा ऑब्सेशन होगा, सब कुछ छोड़ देंगे अपने उसके लिए, तो थोड़ा सा ध्यान रखें, रिलेशनशिप में को बैलेंस करके चलने की जरूरत है आपको। जो मैंने आपको अभी राहु का रेमेडी बताया ये आपके रिलेशनशिप के लिए बेहतर है। अब हम एक चीज और देख लेते हैं कि शुक्र ग्रह 3 तारीख को यहां से हटके यहाँ पे आ जाएगा, तो शुक्र ग्रह क्या है, यहाँ पर 5th लॉर्ड है और 12th लॉर्ड है, आपके करियर के लिए अच्छा है,
पैसा आपको देके जाएगा। और यहाँ पर ये मंगल, सूर्य और बुध यहाँ से हटके यहाँ पे आ जाएंगे 15 तारीख को, और बुध। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिक्स हाउस बहुत मजबूत हो रहा है, हार्डवर्क। सिक्स हाउस क्या है? कंपटीशन का, कोई ना कोई आपका कंपटीशन चल रहा है किसी से, आपको 15 तारीख के बाद आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से हमने इस चीज को आपको एक्सप्लेन किया है। और अगर आप पर्सनली एक एक कुंडली को मिलाना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं।